नमस्कार मित्रों, आज मेरे सामने है एक गुलाब की प्लांट्स, तो मैं उसको एक स्पेशल चीज में ऐड करूंगी। वो क्या है मैं दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको गुड़ाई कर लूंगी। ये जो प्लांट्स है मैंने करीब 40 डेज पहले इसको रिपोर्टिंग किया था, तो अभी एक महीने बाद इसको रिजल्ट दिखे कितना अच्छा हो गया। अभी दो फूल खिले हैं, डीप रेड कलर की है। तो ये जो फ्लावर है अभी साइज में छोटे हैं, लेकिन ये बिग साइज का फ्लावर है क्योंकि अभी नया खिली है ना। इसको प्लांट्स को डेवलपमेंट सही तरह से होगा तो फूल भी अच्छा साइज की होगा। तो प्लांट्स अभी छोटे से है, दो फूल खिले, इसी से मैं खुश हूँ क्योंकि इसको जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है प्रोग्रेस की तरफ है। तो मैं जब रिपोर्टिंग किया था वो वीडियो डाला था, तो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ओनली 40 डेज। तो मैं अभी थोड़ा सा प्रूनिंग भी कर दिया, पुराना पत्ता और जो जितना पुराना ब्रांच था मैंने कटिंग कर दिया, थोड़ा सा ट्रिमिंग कर दिया। अभी मैं जो चीज ऐड करूंगी वो मैं दिखाने जा रही हूँ। गुड़ाई ऐसे महीने में एक बार करना चाहिए, महीने या दो महीने में, नहीं तो रूट नहीं चल पाता है, दब जाता है मिट्टी में, तब ग्रोथ रुक जाता है प्लांट्स का। गुड़ाई करके मैं अभी डालूंगी, एक लीटर पानी मैं ले लिया, उसमें 5 ml हाइड्रोजन पारऑक्साइड सॉल्यूशन 6% WV, तो मैं डाल दिया। डाल के अच्छी तरह मिक्स करके मैं अभी आधा पानी इस प्लांट में डाल दूंगी। प्लांट्स के ऊपर डालने से भी कुछ नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसी से रूट ग्रोथ ज्यादा होता है, और रूट ग्रोथ होने से प्लांट्स भी जल्दी बढ़ेगा, तेजी से अच्छा से लीव्स आएगा, बर्ड्स भी ज्यादा आएगा, फूल भी अच्छा खिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का स्पेशल एक्टिविटीज। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं तो करती हूँ, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा नहीं, 3 महीने बाद एक बार या 4 महीने बाद एक बार। तो इसी से रूट डेवलपमेंट अच्छा से होता है और प्लांट भी अच्छी तरह चल पाता है। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक।